मेरे से ज्यादा जोश में किसी ने बात कर दी है तो मुझे जोश में बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि मैंने आज तक मुमरा में आके किसी को डराया है, किसी को धमकाया है, किसी को भला बुरा कहा है, ऐसा कोई एक आदमी उठा के रखा? पूरे उमरा में किसी से भी पूछ लीजिए, रात को 3:30 बजे फोन किया, 4:30 बजे फोन किया, अगर नींद में रहूं तो भी मैंने उल्टा जवाब दिया है क्या पूछ लेता, मेरी वो आदत नहीं है। और मैं आवाम के दिल में जगा करके बैठा हूं, मैं रस्ते पे नहीं हूं कि चार दो नेता इधर उधर हो गए तो जितेंद्र रावत हिल जाएगा, नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं बताओ, हाथ उठा के बताओ तो तुम्हारे मेरे दिल में, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं? ये पीछे देख रहा हूं, पीछे सबके हाथ अगर है तो ऊपर रखो, नहीं तो पीछे रखो। ऐसा है, चुनाव की राजनीति 7 महीने पहले शुरू नहीं की जाती है, चुनाव की राजनीति 1.5 महीने की होती है। और तुम कोई दाऊद इब्राहिम के पोते नहीं हो कि सब मुसलमानों के डराते रहोगे? मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं, डरता है तो ईमान और अल्लाह से। किसको डरा रहे हो? एक गरीब मुसलमान बेचारे का लड़का ये एसटीपी में काम कर रहा है, एसटीपी ना इधर, तो बच्चा बेचारा मेरे प्यार में फेसबुक में लिखता था। उसने मालिक ने बोला उसको तुम घर बैठो, मेरे को उसके नीचे वाले ने बता दिया कि ये किसी का फोन आया था और इसको घर बिठाया। जब वो मालिक ने मेरे मुंह से मेरी असलियत सुनी, मेरी असलियत बहुत बुरी है, मैं मुमरा में आके अपने सर पे बर्फ देता हूं और जबान को ताला लगा देता हूं, मुमरा वालों ने मेरी गालियां सुनी है, मैंने असली मराठी में इतनी 15 मिनट उसको गालियां दी, 16वें मिनट पे बोला साहब वो लड़के को भेज दो काम पे रखने। अरे पर ये सब करते क्यों? कोई लड़का तुम्हारे खिलाफ है तो क्या उसको पेट पे मारोगे? ऐसी तो कई सोसाइटियां थी जिसमें मेरे को वोट नहीं मिले 2009 में, कोई ऐसा बोल सकता है कि मैंने वो सोसाइटी का वोट काम नहीं मिला उसका, इसलिए उसका काम नहीं किया, ऐसा एक आदमी उठ के बोल सकता है? अरे गरीब से गरीब आदमी मुझे बोले काम करो तो हम लोग करते हैं। राजनीति, चुनाव की राजनीति सिर्फ 1 महीना करनी पड़ती है। तुम जब चुनाव जीतते हो तो तुम सभी के नेता बनते हो, जिसने वोट दिया उसके भी नेता हो और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी नेता हो। और चुनाव दोस्ती से लड़ा जाता है, उनकी आइडियोलॉजी रहती है। अब मुझे बताओ कल दिल्ली में आपको मालूम है ना क्या हुआ? मालूम है सबको? सबको मालूम है? तो क्यों नहीं एक आदमी उठकर बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ? बोलने की ताकत सिर्फ जितेंद्र अवार्ड में थी और मुझे फक्र है कि ऐसे मामलों में मैं बोलता हूं। गाजा हो, धर्मांतरण हो, ऐसे कोई वो रेलवे, रेलवे में फायरिंग हुआ, मैं बताता हूं, रेलवे जो फायरिंग हुआ ना उसके 15 मिनट के बाद मैंने आके बोल दिया था कि ये इस आदमी ने जानबूझकर मुसलमानों को मारा है। फिर पुलिस ने एक बड़ी साजिश की, बोले पागल है। 3 महीने के बाद हॉस्पिटल ने बता दिया कि ये पागल नहीं है, इस दिमाग में भूत सवार था और उसने ये काम किया। वैसा ही जो दिल्ली में लात मारने वाला था उसको मारते क्या? नमाज कैसी पढ़ी जाती, सजदा कैसा किया जाता उसको मालूम नहीं है क्या? ये जो द्वेष की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, वो लोगों के दिमागों में ऐसी डाल रहे हैं कि उसका नतीजा और उसका अंजाम क्या हुआ तो परसों अंकल हमको दिखाई दिया।
ऐसा कभी आपने पहले देखा है? इतना गंदा काम कभी पहले आपने देखा है? ये काम हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश के टुकड़े हो जाएंगे। अनेकताओं में एकता इस देश की विशेषता है। कितने मजहब है, कितनी प्रार्थनाएं हैं। एक भारत ऐसा देश है जिसका पानी का टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेस्ट, जायका, स्वाद। आप नर्मदा का पानी पीजिए, आप गंगा का पानी पीजिए, आप तापी का पानी पीजिए, आप गोदावरी का पानी पीजिए, हर पानी की टेस्ट जायका अलग है। और इस इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम एक है, हम अलग है, फिर भी हम एक है। हरे मेरे धर्म अलग है, फिर भी हम एक है। हमारे जातियां अलग है, फिर भी हम एक है। यही भारत की ताकत है। आज पाकिस्तान बर्बाद क्यों हुआ है? हमको नहीं होना है, हमको हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। हमारा देश जो सेक्युलर है, जो नेहरू ने बनाया, जो गांधी ने बनाया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, जो अबुल कलाम आजाद ने बनाया, वो ही देश हमको चाहिए जहां एक दूसरे अमन सब चैन से रहते हैं। इसीलिए कवि शायर अल्लामा इकबाल ने बताया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं उसके, वो हम गुलगुलिस्तान हमारा। ये देश के किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल ने ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लाया था? 1857 के लड़ाई में सबसे ज्यादा मौत किसकी हुई? सबसे ज्यादा मौत अगर किसी की हुई तो उलमाओं की। बंगाल से लेकर दिल्ली तक ऐसा एक भी झाड़ नहीं था जिस झाड़ पे उलमाओं को लटकाया नहीं गया था। ऐसा नहीं है, इतनी नफरत किसी के दिल में न थी। ये नफरत देश का सत्यानाश कर दी। और चुनाव आते ही इनको मस्ती आ जाती है। चुनाव के पहले 4.5 महीने एकदम चुप रहे थे, और चुनाव आया क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। मां बहनों बताओ, महंगाई बढ़ी हुई है कि नहीं? गैस बढ़ा है कि नहीं? रॉकेल मिलता है क्या? नहीं। चावल बढ़े कि नहीं? प्याज बढ़ा कि नहीं? टमाटर बढ़े कि नहीं? चक्कर का कीमत बढ़ा कि नहीं? अब जब महंगाई इतनी बढ़ रही है और दूसरी तरफ मर्द की तनख्वाह बढ़ रही है, वो तो दिन भर दिन कम होती जा रही है, तीसरी तरफ अपना बेटा इंजीनियर है, अपना बेटा बीए है, बीएससी है, नौकरियां मिल रही है, तो बेकारी मार रही है, महंगाई मार रही है, और ऊपर से नफरत। जमीन में कुछ काम किया नहीं है, देश की इकोनॉमी पाने नहीं जा रही है, पानी में। मुझे याद है सुषमा स्वराज का भाषण, उसने मनमोहन सिंह जी को कहा था, मनमोहन सिंह जी डॉलर के तुलना में जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है मनमोहन जी, देश की इज्जत गिरती है। तब डॉलर के सामने अपना रेट 61 रुपया था और आज क्या रेट है? 84 रुपीज, 84.84। तो देश की इज्जत कहां गई है? इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं देता हूं आपको भी कार बांटने, आप बहुत टाइम से आए, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा काम में व्यस्त था इसलिए आया आ नहीं पाया, खास करके माँ बहनों की माफी चाहता हूं। और इतने लोग मिले हैं तो पहली बार रमजान मुबारक बोलता हूं आपको। आने वाले दिनों में दुआओं में जरूर याद रखना नाम के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जाने रहे हैं। एक तो हमारी पार्टी की लड़ाई है, एक 84 साल का पाप जिसने पार्टी बनाई, जिसने पार्टी बड़ी की, उसको ही घर से बाहर निकाल लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने उस पाप का साथ दिया?
मैंने कोई गलत काम किया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जवाब देना है तो जोर से दे। मेरे 84 साल के बाप को अगर कोई घर से बाहर निकाला और मैं उसके साथ खड़ा रहा तो मैंने गलत किया या सही किया? गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं जब भी 2009, 2014, 2019 में चुन के आया, मैंने काम के सिवा इधर कुछ भी नहीं किया। ना एक इल्लीगल बिल्डिंग बनाई, ना किसी से पैसा लिया, ना किसी से पैसे लेके काम किया। जो भी किया प्यार से। और इसलिए 2000 अभी ये चुनाव ये आएंगे सर, मेरे को पूरा महाराष्ट्र घूमना पड़ेगा, लोगों के पास जाके भाषण देना पड़ेगा, सभी कुछ करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि ये इसके जैसी बहुत सारी लड़कियां और लड़के जो नौजवान हैं, शानू तो है ही, लेकिन आने वाला दौर ये मर्जिया और ऐसी लड़कियों का है। मैं भी चाहता हूं कि आप में से जो भी है, जो चाहते हैं अपनी लड़की, अगर कोई MBBS है, BE है, कोई पढ़ी लिखी है और उसको सियासत में इंटरेस्ट है, तो उसको आगे आने का ये वक्त आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। देखो मर्जिया कितनी अच्छी काम करती है, करती है कि नहीं करती है? आज कम से कम 5000 मोती बिंदु के ऑपरेशन करवाए उसने। ईमानदारी से जब आदमी काम करता है ना, तब 5000 मोती बिंदु के ऑपरेशन होते हैं। वो कैंप लगाना, उसके पहले हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाना, पेशेंट का चेकिंग करवाना, फिर उसको इधर लाना, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, आसान चीज नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करते और ये बहुत ज्यादा मेहनत। मैं तो हमेशा बोलती है तू हो गई कैसी यार उल्टी पटली। सुबह देखो कचरे पे, दोपहर को देखो गटर पे, शाम को देखो कहीं ना कहीं ये लड़की काम करते हुए दिखाई। ऐसे अगर 10 लड़कियां महाराष्ट्र में आई ना मुसलमानों से, तो मुसलमानों का रूप बदल देगी, रूप बदल देगी, रूप। मैं तो कभी लड़की और लड़के में फर्क मानता ही नहीं हूं। अगर फर्क मानता तो मेरे घर में एक ही बेटी पैदा नहीं होती, तो एक ही बेटी है। लाखों लोगों ने कहा अरे जितेंद्र दूसरा चांस ले ले, एक लड़की पे कैसा चलेगा, घर घर का नाम तो लगा, घर का नाम मेरे को रोशन करने का ही, कोई दिया दिया नहीं है। मेरा वो लड़की है, वो मेरी जान है और उसके ऊपर ही मेरी जान रहेगी, बस खत्म। मैं लड़की और लड़के में फर्क मानता ही नहीं। मैं जैसे हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं मानता हूं, वैसे मैं जिसको बोलते ना इंग्लिश में एक लफ्ज है लिंग्वल, यानी मर्द और औरत, ये फर्क मैं मानता नहीं हूं। मेरा तो बोलना ये है कि औरत सबसे ज्यादा ताकतवान रहती है, औरत सबसे ज्यादा डेरिंगबाज रहती है, क्योंकि जब जब मैंने देखा है सैलाब आया, बिल्डिंग गिर गई, बुरी हालत हुई, तो मर्द दुड़खड़ा जाता है और औरत बोलती है डरो मत, हम दोनों मिलके फिर से यह संसार खड़ा कर देंगे। यह होती है औरत की ताकत। ये मैंने मेरे घर घर में देखा है। 3 साल मेरे पिताजी को नौकरी नहीं थी, 3 साल मेरे माँ ने कभी उनके सामने आंसू नहीं बहाया। पिताजी मेरे बंबई में फुटपाथ पे सोते थे और हम लोग इधर रहते थे नासिक रोड पे। नासिक रोड से 7 किलोमीटर पे मेरी मम्मी मेरी माँ साइकिल चला के मेरे को डबल सीट लेके, वो एक्सपर्ट थी उसमें, क्या बोलते उसको, सिलाई मशीन में, उससे पैसे निकालती थी उसकी पढ़ाई करके और हमको पालती थी। तो संसार ऐसा चला जाता है, माँ ही ताकत होती है, माँ के सिवा दुनिया में कोई ताकत नहीं। मैं तो हरेक को कहूंगा अल्लाह अल्लाह और उसके बाद माँ के पैर छुओ और घर से निकलो, आपको नाकामयाबी कभी हासिल नहीं। मैं तो माँ का भक्त हूं। जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई उसके बाद 3 साल में डिप्रेशन में था, 3 साल। मेरे माँ को कैसे पता चला कि वो बीमार है? मेरी माँ ने मेरे मासी से पूछा, घर के बाहर क्यों नहीं जाता है,
बोले नहीं, उसको घंटा लाया, दो तीन दिन घर घर पे ही बैठा। बोले नहीं, इसका मतलब मेरी बीमारी बहुत सीरियस है, क्योंकि उसको याद आया होगा एक दिन उसका हाथ टूट गया था और मेरे पास कुकर थी तो उसका फोन आया, अरे मेरा हाथ टूट गया, चल मेरे को हॉस्पिटल लेके। मैं हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जब उसको आधा घंटा, मैंने किक मारी गया नाके पे, मैं भूली गया मेरी माँ हॉस्पिटल में। रात को जब घर पहुंचा तो याद आया, अरे माँ हॉस्पिटल में थी। माँ बोली यार कैसा लड़का है, मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ा और तू चला गया, मैं रिक्शा से घर आ गया। माँ को ये दिन याद था और बोली ये घर में बैठा है, इसका मतलब मुझे तो बीमारी हुई है, वो इससे मैं बचूंगी, नहीं तो ये घर में नहीं बैठता था। और ये सच था, मैं घर में इसीलिए बैठा था, कब क्या होगा पता नहीं था। तो ये माँ, तो ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा अभी, ये बहुत इमोशनल बात कही मैंने, ये किसको मालूम नहीं थी। चलो खुदा हाफिज़। देखिए नाम का अनाउंसमेंट होगा अभी।